Good morning, dear students. Today we will study our next poem, The Kite. The kite means पतंग, जो कि आप सबको पसंद होगी. तो काइट के बारे में आज एक पोइम है. All of us like to fly kites. हम सब लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. Have you ever tried to fly one? क्या कभी तुमने कोई एक पतंग उड़ाई है? Read the poem about a kite as it flies in the sky. ये पोइम एक काइट के बारे में ही है, इसको पढ़िए. एंड इट फ्लाइज एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जैसे कि आसमान में उड़ती है, उसको डिस्क्राइब किया है पोइट ने. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहले मैं इसको रीडिंग कर लेती हूँ एक बार, मेरे साथ आप रीड करेंगे. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल, देन सोर्स लाइक अ सिप with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls, when string goes slack you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. How bright. तो आइए स्टार्ट करते हैं. How bright on the blue. Bright means चमकदार. On the blue means, the blue means sky, आसमान. आसमान में चमकदार रंगों वाली पतंग is a kite, a kite when it's new, जब ये बिल्कुल नई होती है और पहली बार कोई पतंग उड़ा रहा होता है, तो आसमान में चमकदार रंगों वाली जो पतंग जाती है कितनी सुंदर दिखाई देती है. हाउ ब्राइट, कितनी चमकदार दिखाई देती है. नीले नीले आसमान में पतंग, चमकदार कलर वाली पतंग बहुत ही सुंदर दिखाई देती है पोइट को. विद अ डाइव एंड अ डिप, और ये कैसे उड़ रही होती है, जब कोई बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो कैसे उड़ा रहे होते हैं, ये आसमान में एक तरीके से तैर रही होती है. विद अ डाइव, डुबकी लगा रही होती है, इट मीन्स हवा में इधर उधर जा रही होती है, फ्लोट कर रही होती है. एंड अ डिप माने, डिप माने डुबकी लगाना, डाइव मीन्स गोता लगाना, तो वो पानी के एक्टिविटीज़ हैं. यहाँ पर हवा में बताया गया है कि पतंग कैसे यहाँ वहाँ जाती है. एंड डिप माने बेंट, मुड़ती है, मुड़ती है और आगे को हवा की लहरों के साथ उड़ती है, उसको डाइव एंड डिप कहा गया है. इट स्नैप्स, ये फड़फड़ाती है. इट्स टेल, उसकी पूंछ में जो सुंदर ट्रिमिंग्स लगी होती हैं उनको ये फड़फड़ाते हुए हवा में तैरती है. देन सोर्स लाइक अ सिप, और फिर हवा पर फ्लोट करती है, लाइक अ शिप, जैसे कि एक पानी का जहाज नदी में कि लहरों के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, वैसे ही ये हवा की लहरों में फ्लोट करती है, तैरती है. विद ओनली अ सेल, और इस पर जैसे कि हवा, पानी के जहाज में आपने देखा होगा कि कुछ पानी की जो बोट्स होती हैं उनमें पाल लगी होती है. पाल मीन्स कपड़ा, एक कपड़ा बंधा होता है जिस जो कि उसको स्पीड देने का काम करता है, ठीक है. तो वो इसी तरीके से उसमें भी, एक पतंग में भी मटेरियल लगा होता है जो कि उसको स्पीड देने का काम करता है, वो हवा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है. ठीक उसी तरह जिस तरीके से पानी का जहाज या फिर पानी का शिप, बोट पानी में आगे बढ़ती है. तो विद अ सेल, ओनली अ सेल, एक सेल के साथ, ठीक. एज ओवर टाइड्स, एज जैसे कि ये टाइड्स मीन्स पानी की लहरों में, ऑफ विंड इट राइड्स, हवा की लहरों में राइड करती है. इट मीन्स जैसे कि शिप टाइड्स के ऊपर राइड करता है, यानी कि शिप जो है, पानी का जहाज पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरीके से विंड इट राइड्स, ये जो इट मीन्स द काइट, पतंग जो है ये हवा के ऊपर तैरती है, हवा की लहरों में तैरती है, हवा के साथ साथ उड़ती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, और कभी कभी इतनी ऊँची चली जाती है जैसे कि टॉप पर, ठीक. टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और कभी ये बहुत टॉप पर चली जाती है. एंड गस्ट माने तेज आंधी के साथ, तेज हवा के साथ, जब हवा तेज चलती है तो इसको दूर तक उड़ा ले जाती है. एंड पुल्स, और कभी हम इसको डोरी से पीछे की तरफ खींचते हैं, यानी कि और स्पीड देने के लिए पतंग को आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी ढील देनी पड़ती है ना, या उसको पुल करना पड़ता है. तो उसी तरीके से वो मांझे को जब हम खींचते हैं, दैट इज़ पुल,
पुल करते हैं, फिर ये इसको और ऊपर उड़ाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रेस्ट माने टॉप, उसकी ऊंचाई तक, एक बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, देन सीम्स टू रेस्ट। और फिर कभी जब हवा कम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि पतंग एक जगह पर आराम कर रही है, एक ही जगह पर टिक जाती है आसमान में, तो ऐसा लगता है आसमान में वो कहीं पर एक आराम कर रही है एक जगह पर। सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, जैसे कि हवा फॉल्स माने कम हो जाती है, जब हवा कम हो जाती है तो एक जगह पर एक तरीके से रेस्ट करती हुई दिखाई देती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और जब हम उसको स्ट्रिंग माने जिस स्ट्रिंग से, जिस डोरी से पतंग बंधी होती है, बहुत पतली डोरी जिसको मांझा कहा जाता है, तो उस मांझे को जब हम स्लैक माने उसको ढील देते हैं, जब हम उसको आराम से उसको छोड़ते हैं, इट मीन्स ढीला करते हैं, ढील देते हैं, यू वाइंड इट बैक, तो ये क्या, जब हवा कम हो जाती है और जब हम मांझे को ढील देते हैं तो इसको हम वाइंड कर देते हैं, वाइंड मीन्स लपेट लेते हैं, वापस उसको मांझे को लपेट लेते हैं। एंड फिर जब हवा तेज चलती है, एंड रन अनटिल, और फिर ये दौड़ती है, कब तक दौड़ती है ये पतंग हवा में आसमान में, अनटिल माने जब तक कि नहीं, अ न्यू ब्रीज ब्लोज, एक नई ब्रीज जो है ठंड जेंटल एयर यानी जेंटल विंड को ब्रीज कहा गया है, ठंडी ताजी हवा का झोंका नहीं आ जाता है। तो जब हम इसको ढील दे देते हैं तो एक जगह पर ये रेस्ट कर रही होती है, इसको हम वाइंड कर देते हैं थोड़ा, तो उसके बाद जब एक नई हवा का झोंका चलता है तो तब ये पतंग फिर रन करने लगती है आसमान में, फिर ये दौड़ती हुई दिखाई देती है, उड़ती हुई दिखाई देती है हवा की लहरों के साथ साथ। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़, और ऐसा लगता है कि हवा इसके पंखों में भर गई है, यानी कि पतंग हवा के को चीरती हुई, हवा के ही वेग से आगे बढ़ जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन दी ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, और पोइट को वो पतंग बहुत पसंद है जो कि बिल्कुल नई हो और आसमान में उड़ रही हो, और नीले नीले आसमान में वो रंग बिरंगी पतंग उड़ती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। बट अ रैगडर थिंग, लेकिन आपको पता ही होगा कि पतंग जो है उड़ाते उड़ाते कभी कभी कट जाती हैं दूसरी पतंग से, या फिर किसी पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर अटक जाती है, ठीक है। तो बट अ रैगडर थिंग, जब ये किसी पेड़ पर अटक जाती है तो फट भी जाती है पतंग, ठीक है, तो अटक जाती है, फट जाती है, तो रैगडर माने फट जाती है, टॉर्न हो जाती है, थिंग यू नेवर विल सी, और किसी टॉप में जा कर के अटक जाती है, किसी पेड़ के अंदर या टॉप में अटक जाती है, तो हम इसको कभी नहीं देख पाते, इट मीन्स ये हमें हमारी पतंग वापस नहीं मिल पाती। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, और ये केवल फ्लैप फड़फड़ाती हुई किसी पेड़ पर या किसी ऊंची चीज पर, पोल पर अटक जाती है और ये हमारे पास वापस नहीं आती है। इन दी टॉप ऑफ अ ट्री, यानी कि किसी पेड़ के टॉप पर, बहुत ऊंचे पेड़ जहाँ तक हम इस पतंग को उड़ा रहे हैं, अगर कोई ऑब्स्टिकल आसमान में उड़ते हुए इसके सामने आ जाती है तो पतंग कट जाती है दूसरी पतंग से, या फिर किसी चीज़ में अटक करके टूट जाती है, तो इसकी स्ट्रिंग टूट जाती है और ये फड़फड़ाती हुई पेड़ पर अटक जाती है। तो इस तरीके से पोइट ने काइट के बारे में, काइट की जो ब्यूटी है, जब वो आसमान में उड़ाई जाती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि ये नई होती है तो ये बहुत रंग बिरंगी पतंगें आती हैं जैसे कि आपको पता है, तो पतंग पोइट को बहुत ही प्यारी लगती है, इट मीन्स हम सबको भी बहुत प्यारी लगती है, और पतंग के बारे में ही ये पोइम बताई गई है। तो आप इसको समझ लीजिए, और अगर समझ में ना आए यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।